यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज देश की आवाज में बात सरकार के उस विकास के दावे की करेंगे जो कुछ महीनों में ही खोखला हो गया है। दरअसल गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक अंडरपास के पास कई फीट नीचे सड़क धस चुकी है। सड़क धसने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। बड़ी बात यह भी है कि कुछ समय पहले की बात है, सीएम मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन हीरो होंडा चौक अंडरपास से बसई चौक की ओर जाने वाली सड़क कुछ दिनों में ही धराशायी सी होती दिखाई दी। अचानक से ये धस गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर साइबर सिटी गुरुग्राम में जो ये सड़क बनाई गई है, ये कुछ महीनों में ही कैसे धस गई? क्या इसके पीछे किसी तरह का भ्रष्टाचार है, या फिर जो भी ठेकेदार था या जिसके अंडर में ये सड़क बनाई गई थी, उन्होंने अपना काम बखूबी नहीं किया है? कोई ना कोई तो बड़ा कारण जरूर है जो ये सड़क यहां पर धसी है। पुलिसकर्मी यहां पर ट्रैफिक को दूसरी ओर करते नजर आए ताकि कोई भी बड़ा हादसा यहां पर ना हो। आप देखिए, जहां पुलिस को आम जनता की सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए था, वो यहां पर इस सड़क के किनारे खड़ी है ताकि यहां पर भी जो आम जनता है उसकी सुरक्षा की जाए, ताकि कोई भी इस हादसे का शिकार ना हो। सवाल हमारे सामने है, आपकी राय जानना चाहते हैं हम। ऐसी सड़कों से क्या फायदा है? क्या इसे ही विकास कहेंगे हम? बदहाल सड़क का जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? और धस गई है सड़क तो जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही बनती है इस पर? एक सवाल यह भी है कि अगर हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार इसका होता है? कौन जवाबदेही के लिए आगे आएगा? क्या सरकार, क्या प्रशासन, क्या ठेकेदार, या फिर जो भी इस सड़क को बना रहे थे वो कर्मचारी? किसकी जिम्मेदारी हमें तय करनी चाहिए इसको लेकर? तो जो सड़कें धड़ाधड़ हरियाणा में बन रही है, जिसको कहते हैं हरियाणा के नेता, बीजेपी के नेता, कि हमने विकास किया है, क्या यही वो विकास है? आरके काले साहब हैं अंबाला से, पहले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। आरके काले साहब, आपकी राय जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, सरकार कोई भी हो, हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, ये विकास की बजाय विनाश हो रहा है। और ये हम लोगों के साथ मजाक कर रही है सरकार, मजाक, भद्दा मजाक। आप कहीं भी भेजिए अपने रिपोर्टर को, हमारे यहाँ प्रेमनगर में भेजिए, हमारा सिटी प्रेमनगर में, हम दिखाएं आपको मालटाउन, प्रेमनगर, मनोली हाउस, विजयनगर, न्यू मड़क लोनी, ये सड़कों का क्या हाल है। आप युवा बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आप भेजिए अपने रिपोर्टर को, हम दिखाएंगे जी। अभी कुछ दिन पहले टाइल वर्क हुआ, गलियां बनी, सब के सब धंस चुकी है। जाए कहां बताइए, कहां जाए? नगर निगम टूटने के कगार पर है, उसका केस चल रहा है, तो एमएलए सुनता नहीं कोई। हमें कहते हैं कि आप कांग्रेस के हो, आप मुलाजम हो, तो बताइए कहाँ जाए? करोड़ों पे खर्च किया जा रहा है, हमारा करोड़ों पे खर्च किया जा रहा है, इस बात का हमें अफसोस है। चलिए, कोई योजना भी इनकी कामयाब नहीं है, कोई भी योजना। आप भी अपनी आवाज को खुद ही उठा रहे हैं, हमारे माध्यम से अगर बता रहे हैं, सरकार तक पहुंचा भी रहे, तो जरूर सरकार को देखना चाहिए कि अंबाला में भी क्या हाल है। अंबाला सिटी की तस्वीर खुद अपने शब्दों में बयां कर रहे थे दर्शक आरके कालिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भिवानी से हैं, राष्ट्रवादी इनका नाम है, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं एक बात भारत सरकार से, नेताओं से और पूरी आम आवाम से पूछना चाहता हूं, जब हमारे देश में पर्याप्त संसाधन है तो विकास क्यों नहीं हुआ? काम करने वाले हाथ हैं, पूरी आज टेक्नोलॉजी है, फिर भी काम नहीं हुआ। और कई बार जैसे प्रथम दृष्टा में आपने गुड़गांव का ये मामला दिखाया, इसमें सड़क धसी है। जब हम किसी काम को समय से पहले पूर्ण निष्ठा से नहीं करते तो इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी और घटती हैं। इसी प्रकार केएमपी पर भी हुआ है। ये सब क्या हुआ?
आनन फानन में जल्दी करने के चक्कर में क्या होता है, काम को पूर्ण रूप से सही नहीं किया गया। इसमें भ्रष्टाचार की बात नहीं है, जल्दी काम करने की वजह से, अपने आप को एकदम चाइना की तरह दिखाने की वजह से हमने क्या करते हैं, हम हमारे संसाधनों का भी नुकसान करते हैं और बाद में भारी हमें तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं और उसके ऊपर खर्चा भी बढ़ जाता है। वैसे जो अब करीबन 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी बनी है, मैं पूरे देश में घूमता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, बड़ी गति से किया है, परंतु भ्रष्टाचार हुआ है। आपको जहां हमारे प्रधानमंत्री महोदय सबसे बड़े पुल का निर्माण करके आए थे, वहां पर तो ऐसा हुआ है अरुणाचल में, एक पुल, एक तो नेशनल हाईवे बना दिया गया और एक स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया गया। जो स्टेट गवर्नमेंट का पुल पास किया उसमें 1400 करोड़ रुपए वहां के मंत्री और अधिकारी खा गए। अभी जांच चालू है और कई दिन बाद आपको टीवी में मुख्य समाचार भी बनेगा, एक मंत्री और कुछ आदमी मिलकर ने रोड बनाए नहीं और नेशनल हाईवे दिखा के ने स्टेट हाईवे को का पूरे का पूरा पैसा डकार गई। बिल्कुल, सवाल कहीं उठते हैं और आपकी ये बात हमने विस्तार से सुनी भी है। आपका कहना है कि ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, इसके अलावा भी देश के कोने कोने से ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं और ऐसी जगहों पर ही हादसे होते हैं। रात के समय आप अंदाजा लगाइए कि अगर ऐसी बैरिकेडिंग ना हो और अचानक से रोड धस जाए, ये देखिए तस्वीरें, ये अपने आप में खतरनाक कह सकते हैं हम, और अगर बैरिकेडिंग ना हो रात के समय में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल हमारा है, जिम्मेदारी कौन लेगा? चंद्र प्रकाश है हमारे साथ फोन पर, दर्शक अपनी राय रखिए। कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी मैं। जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल दिखा रहा था कि चीन में किस प्रकार से एक सड़क धस गई, इंडोनेशिया में एक सड़क धस गई, वहीं दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज बने अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, जिसके ऊपर कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जूत बजे आपस में जी। परंतु देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि 700 करोड़ रुपए का होटल तैयार हो रहा है अखिलेश यादव का, कहाँ से आया सर ये पैसा? 3700 करोड़ रुपए आज मायावती के पास है, 1000 करोड़ का वो हार पहनती है नोटों का, वो पैसा कहाँ से आया सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि 6 करोड़ की मुलायम सिंह के लड़के की गाड़ी है सर, वो कहाँ से आई? मैंने 37 साल रेलवे में नौकरी करी जी। इतना ही पैसा मिला कि मैं अपना एक मकान बना सका और बच्चों का विवाह कर सका। तो साधारण नागरिक को तो इतना ही जीवन जीने का मौका मिलता है। बिल्कुल, परंतु आप सवाल उठाए हैं चंद्र प्रकाश जी, और ये जनता है, ये जानती है आज के आंकड़े और बेवकूफ नहीं है आज की आम जनता। कि पहले आप सोचते थे कि रैली में कुछ भी कहेंगे तो जनता मान लेगी, आज इंटरनेट सबके हाथों में है और आंकड़े भी हैं। धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, आपने राय रखी है और सवाल उठाए कि नेताओं के पास इतना पैसा कहां से आता है, यहीं से आता है। बलदेव सिंह सिरसा से दर्शक फोन लाइन पर हैं। बलदेव जी आपकी राय क्या है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जी, सड़कों की हालत ये भ्रष्टाचार की वजह से है, राजनीतिज्ञ और जो बड़े अफसर है ये मिलके खाते हैं और इसमें शुरुआत कांग्रेस ने करी है, उसके बाद में बीजेपी भी कम नहीं, और जो मनोहर लाल जी कहते हैं हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये बिल्कुल गलत कहते हैं, ये मानते ही नहीं इस चीज को, और इनकी बिरादरी जो वहां से कुछ नहीं लेके आई, आज करोड़ों की हर एक चीज में हर महकमे में हर सेक्टर में आगे है, वो इतना पैसा इनके पास बना कैसे? आज अगर हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार पनपा है तो वो पाकिस्तान से आए हुए लोगों द्वारा दिया हुआ है। ठीक है बलदेव, नहीं तो आप ये बताओ कि इनके पास इतना पैसा कहाँ है? एक आदमी जैसे मेरे से पहले वक्ता ने कहा कि मुश्किल से गुजारा करता है, और आज ये जो वहां से बिल्कुल आए थे कुछ भी नहीं था इनके पास, 8 करोड़ों की जायदाद कहाँ से आ गई? चलिए धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी है। बलदेव जी आपने कहा कि नेताओं के पास पैसा कहाँ से आता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश आपने इसमें बताई है जो ये मामला सामने आया है। बेशक एक नजरिए से आप कहें कि ये छोटा सा तो मामला है, लेकिन असल में इस तरह की बहुत सड़कें हैं, कहीं कहीं तो निर्माण होने में बहुत समय लग जाता है सड़कों का, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं रातों रात सड़कें बनाई जाती हैं उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं।
अब मुख्यमंत्री साहब ने खुद इसका उद्घाटन किया था और ये जो चौक है यहाँ से रोज़ाना हजारों गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, जाम की स्थिति भी अब इसी वजह से बनी है। उदय सिंह कैथल से दर्शक फोन लाइन पर हैं। उदय जी आपकी राय। नमस्कार जी। नमस्कार। मनमोहन सिंह ना वो ये मुख्यमंत्री साहब ने एक ट्वीट कराया भाई मारे थे मैं पहले 51% भ्रष्टाचार था जी, अब 19% भ्रष्टाचार रह गया जी। क्या ये जो गोला टूट रहा जो आपने पुल का दिखाया क्या इसमें भ्रष्टाचार 1900% का आयो? इसने जो बीजेपी की सरकार है इसने जेई कंट्रैक्ट सस्पेंड कर दिए, मैंने कर दिया तहसीलदार, बाकी डीसी एसपी या कमिश्नर या बड़े बड़े जो विधायक मिली भक्ति में खा रहे हैं उनके तो इन्होंने जांच भी नहीं करवाई। मैंने 1000 ट्वीट कर किया मनोहर लाल पे जी, उदय सिंह इंसा के नाम से मेरा ट्वीट है, मैंने आज ट्वीट पढ़ा था, गले ट्वीट कर दिया भाई भ्रष्टाचार आप तो 19% कर रहे हो, यू 99% हो गया जी। चलिए धन्यवाद। आप अगर इस तरह से ट्वीट करते हैं बेशक अपनी बातों को आपको रखना चाहिए, मुख्यमंत्री के सामने भी शिकायत भी करनी चाहिए, तभी तो निवारण होगा। ऐसा नहीं है कि सरकारें देखती नहीं है, बेशक देखती हैं, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा सचेत रहना चाहिए कि आखिरकार आपके राज्य में हो क्या रहा है। आदित्य मध्य प्रदेश से दर्शक फोन लाइन पर है। आदित्य अपनी राय रखिए। संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा हमसे जुड़ने का और साथ ही अपनी राय भी रखिएगा क्योंकि कहीं भी ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है। अगर आपके आसपास भी आपने देखा हो कि सड़कें तो नई नवेली बनी है लेकिन चार दिन बाद आप देखते हैं कि वहीं पर गड्ढे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, ये जरूर सोचना चाहिए क्योंकि आपका ही पैसा है। ये मत सोचिएगा कि सरकार ने बहुत बड़ी मेहरबानी आप पर कर दी है, टैक्स आप देते हैं, टैक्स कलेक्शन होता है, हर चीज़ का टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स आपसे लिया जाता है, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं वहाँ भी टैक्स देते हैं, टोल टैक्स भी आप देते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे सड़कें आपको मिले जहाँ पर आपकी जान को ही खतरा हो, सोचिएगा ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं। इसलिए सरकार को भी चेताने के लिए हमने आज ये मुद्दा उठाया है कि अगर ऐसे जो भी ठेकेदार हों या जिन्होंने भी ये सड़क बनाई हो उस पर आप कार्रवाई करके एक मिसाल पेश करें और सख्त संदेश दें उन लोगों को जो सड़कों के नाम पर भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। कथित तौर पर इसमें भी हो सकता है, सवाल जरूर उठ सकते हैं, जरूर देखना चाहिए सरकार को इस तरह के मामलों में। मुरली है भिवानी से दर्शक फोन लाइन पर। मुरली जी आपकी राय। मैं ये कह रहा हूँ ये जो आप आ रहे हैं ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, जो मौके के अफसर है ये सब इन्होंने प्रचार किया जब ये सारा असर बनाया। अगर अक्सर अफसर अगर ऐसा नहीं होने तो ठेकेदार की हिम्मत नहीं थी कि उसका काम करता और इसके लिए तो तुरंत अफसर या यहाँ के सीएम को एक्शन लेके तुरंत इनको सस्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये तुरंत एक्शन लेना चाहिए और आप कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आपको आ रही है। धन्यवाद, आपने अपनी अपनी राय रखी है, बेशक चिंतित आपको होना चाहिए इस मामले को लेकर भी, कहीं भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। इलाहाबाद से नईम है हमारे साथ। नईम आपकी राय जानना चाहेंगे। जी जी मैं नईम बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी बोलिए। इस वक्त जितने भी अभी यहाँ के रोड बन रही है जी, जितने भी कचड़े हैं सब लगे भर दे रहे हैं, वो धस जा रहे हैं, ठीक है, कल हो के वो परेशानी होगी, गाड़ी पलटेगी, ठीक है, रातों रात रोड तैयार। चलिए धन्यवाद, आपने कहा कि आपके आसपास भी इस तरह की सड़कें बन रही हैं, रातों रात सड़कें बनाई जाती हैं, कोई बड़ा नेता आता है लेकिन चार दिन बाद वो सड़कें फिर से गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। अरविंद है गुरुग्राम से ही। अरविंद आपकी राय जानना चाहेंगे। भ्रष्टाचार का इस तरह मामला बनता है क्योंकि जब कोई रोड बनती है तो उसपे इंजीनियर लगते हैं और इंजीनियरिंग की पूरे का पूरा कंप्यूटर डिजाइनिंग खड़ी जाती है उसकी सड़कों की, तो उसमें जो उसके बाद फिर मटेरियल बनाया जाता है कि इतने अनुपात में ये पड़ेगा, इतने अनुपात में बजरी पड़ेगी, इतने अनुपात में कुलतार पड़ेगा, तो जब उसका कॉम्बिनेशन और किस लेवल की मिट्टी है, मिट्टी गीली है पोली है सख्त है, इस तरह की सब होता है, तो सीधे सीधे इंजीनियरिंग डिजाइन का फेल नमूना है। इसके लिए सीधे सीधे सड़क बनाने वाला सरकार का और बिल्कुल आपने सही कहा कि मानदंड तो बहुत होते हैं, क्या मानदंड इस सड़क को बनाते हुए अपनाए गए
ये बड़ा सवाल है। जैसे कि हमारे दर्शक कह रहे हैं कि तुरंत एक्शन की बात कहनी चाहिए इस तरह के मामलों में, तभी लगेगा कि पारदर्शिता से यह सरकार काम कर रही है। रामप्रसाद अंबाल से दर्शक के फोन पर। रामप्रसाद जी, आपकी राय क्या है? आई सर, अपनी राय रखिए। वो अपनी राय सर ये है, सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। विधायक, सांसद, अन्य जितने भी राजनेता सब इसी पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं। और यदि ठेकेदार पैसा उन्हें नहीं पहुंचाएगा तो उसको अगले बार ठेका नहीं मिलेगा, और जब ठेकेदार उनको पैसा देगा तो एक पैसा रोड पे लगेगा नहीं, तो रोड तो खराब बनेगा ही बनेगा। दूसरी बात क्या है, जागरूकता का अभी मतलब कमी है। हम लोग जो टैक्स पेयर हैं जी, हम लोग खुद ही जागरूक नहीं है, सवाल जवाब नहीं करते हैं। बिल्कुल, एक्सीडेंट हम ही लोग का होता है, पैसा भी हम लोग देते हैं। मंत्रियों के साथ तो दो दो चार चार गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट होगा तो पुलिस का एक्सीडेंट होगा, वो बीच में सेफ्टी बच जाएंगे जी। विधायक के भी आगे पीछे गाड़ी चलती है, सांसद के भी आगे पीछे गाड़ी चलती है, लेकिन आम आदमी के आगे पीछे कोई नहीं है। आम आदमी ही मारा जाता है, लेकिन समस्या क्या है, आम आदमी आवाज नहीं उठाता है। बिल्कुल, अब भ्रष्टाचार पूरी तरह से पनपा हुआ है, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई भी सरकार आ जाए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लग सकता। आपने अच्छी बात कही राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जागरूक दर्शक होने के नाते तमाम बातें कही हैं, दूसरों को भी एक प्रेरणा दी है कि जरूर अपनी आवाज को उठाइए। जरा सा पूछ लीजिए किसी भी इंजीनियर से या फिर वहां पर जो भी अधिकारी हो, कि सड़क पर सामग्री आप किस तरह की लगा रहे हैं, क्या गुणवत्ता उसकी ठीक है कि नहीं है। गुरुग्राम से एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, विकी। विकी अपनी राय रखिए। और विकी शर्मा बोल रहा हूँ गुड़गांव से जी, बोलिए। ये जो भ्रष्टाचार पे बिल्कुल भी लगाम नहीं है, जितनी भी सड़कें हैं मतलब चार साढ़े चार साल से जो काम जहाँ पड़ा है ना वो एज इट इज पड़ा हुआ है, और पुलिस कर्मी भी उसमें कितना सहयोग करें, क्या करें पुलिस कर्मी भी, जो गवर्नमेंट काम करने को ही तैयार नहीं है किसी भी हालात में। बिल्कुल, तो आपने भी कहा कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं, जो यह सड़क धसी है। धन्यवाद, आपने भी अपनी राय रखी है। कहीं दर्शक ऐसे कहते नजर आए, और ये एक बड़ी बात है, दर्शकों को ऐसा लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है सड़क बनाने में। अरविंद है वो, ये भी गुरुग्राम से ही है। अरविंद, आपकी राय क्या है? जी जी, बोलिए बोलिए। इसमें जो है, जब बिल्कुल जो अभी एक दर्शक ने कहा, ठेकेदार की कमी होती, वो जब तक मंत्री इसको थैली नहीं पहुंचाएगा रुपयों की, लाखों रुपए की गड्डी, तब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा। और यही बात है, और इसमें जो है सरकार, जैसे अब हम जो बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, जैसे जिसमें हमारे गुड़गांव में भी एक किशोर अजमाई नाम के ठेकेदार को ठेका दिया था, और वो भी, उसकी भी सड़क खराब निकली। और बहुत सारे इसमें सोशल एक्टिविस्ट भी काम करते हैं, जो सड़कों के खिलाफ, पर्यावरण के प्रदूषण के खिलाफ भी काम करते हैं, वो भी सरकार से पैसे लेते हैं, फोना लेते हैं, इसमें अधिक चाहिए, काम तो काफी अच्छा है, परंतु बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं गुड़गांव के, कुछ नहीं करते हैं, और भ्रष्टाचार करके अपनी कहानी करते हैं कि सरकारी नीतियों को, कुछ गलत नीतियों को पैसा खा के सही पहुंचाना इनका ये काम। धन्यवाद, आपने अपनी राय को रखा है और बताया कि गुरुग्राम में जो भी ये घटना घटी है, जो भी ये सड़क धसी है, इसमें भ्रष्टाचार की ही शिकायत हो सकती है। सुरेश भिवानी से हैं दर्शक फोन पर। सुरेश जी, आपकी राय क्या है? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ। बताइए। जब मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर आते हैं तो उससे पहले तो जो सड़कें हैं वो ठीक हो जाती है, तो जो अधिकारी हैं उनको ये संदेश देना चाहिए, जहां से मुख्यमंत्री जाए ना तो उसके दूसरे साइड से जाए, ताकि मुख्यमंत्री जी को ये पता चले कि सड़कें कैसी है, क्योंकि जितने भी ये अधिकारी हैं इनका कमीशन फिक्स है जी। कमीशन फिक्स के कारण सड़कें खराब होती है जी। और मीडिया इनको खबरें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो एक जन आंदोलन चला के लोग सारे इकट्ठा होके सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन करें, और लोगों को ये पता चले कि ये कमियां है सरकार की। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कमियों को तो बताना चाहिए। सरकार ने दावा यह भी किया है कि एक ऐप भी बनाई गई है, फोटो खींचिए और सीधा आप उसमें ऐप में डालिए और उसके बाद आपके गड्ढे भर जाएंगे। बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने आते हैं तो लगता है कि ऐप में भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। योगेश करनाल से दर्शक नियमित है हमारे साथ, लगातार अपनी राय रखते रहते हैं। योगेश जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार जी सर,
इनके बारे में क्या कहें, आपके पीछे कुरैशी साहब आए थे करनाल में, उन्होंने तो हमारे यहाँ के तो सड़कें देख ली, उनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि सब जगह टूटी हुई थी जहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम करे थे। अब जैसे ये सड़कें टूटी हुई हैं, इन पे तो कोई ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जैसे इन्होंने भाजपा वालों ने अपने हेडक्वार्टर बनाने उन पे तो 500 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, या कहीं पे हर एक जगह अपने वो खोल रहे, ना तो गंगा की सफाई होली उसके पैसे नहीं पता लगा, राम मंदिर के थे पैसे उनका नहीं पता लगा, सड़कों के हैं उनके पैसे का नहीं पता लगा, मंत्री जी हैं ये हमारे बाहरले देशों में घूमते रहते हैं, 48,000 का करोड़ का जहाज खरीद लेते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, पहले 5% थी अब बेरोजगारी 9% बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। सर अब ये बताओ, हर एक जैसे आप इतनी ईमानदारी से वाजे उठाते हो, हम भी अपनी वाजे उठाते हैं या किसी से पूछ भी लेते हैं, अब जैसे अभी आपने बात करी थी एप्स बना रखे हैं, सर एप्स पे डालने से क्या होगा, जब वो सड़कें नहीं बनती, 17 तारीख को इलेक्शन थे, छोटी छोटी टंकियां लगा देते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम सा कर देते हैं और चल देते हैं, उससे सड़कें थोड़ी बनेंगी पूरी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय को रखा है और बताया है कि किस तरह से जो सरकार है वो गंभीर नहीं होती है, और अगर गंभीर होती है तो इस तरह के मामले शायद ये सामने आए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं या ये सड़क धस जाती है तो जो हादसा है उसके होने का खतरा ज़्यादा बन जाता है, और सभी को मालूम है कि आंकड़े डराते हैं, सड़क हादसों में कितनी मौतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसी को लेकर चिंतित हो चुका है। देश की आवाज में इतना ही, लगातार बने रहिए खबरें अभी तक के साथ।